झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ऐसा ऐलान किया है जिससे इस राज्य की सियासत में तहलका मच गया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना अपने पति के जेल में रहते हुए चुनावी रण में उतरने जा रही हैं। जी हां, कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की घोषणा की। इस प्रेस रिलीज में जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार का भी ऐलान किया गया। जेएमएम ने यहां से समीर मोहंती को टिकट दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गांडिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। साल 2019 के गांडिया विधानसभा चुनाव में झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को पराजित किया था, पर इसके इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली रही। अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द आईटीपी न्यूज़।